अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जैगवार का एक बेसिक सा वॉक अराउंड लेके आई हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हाई ड्राइव मोटर्स पे ये अवेलेबल होगी रावलपिंडी। इनकी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, सो लेट्स गेट टू द वीडियो। गाइस फ्रंट लुक से स्टार्ट करें तो फ्रंट पे आपको एक क्रोम की काफ़ी बेहतरीन से इसकी जैगवार की ग्रिल मिल जाती है, जिसमें जैगवार की बैजिंग मिली हुई है और इसका एम्बलम दिया गया है। लाइट्स की बात की जाए तो जो हाई बीम है वो तो हैलोजन बल्ब है, बाकी इसमें आपके पास प्रोजेक्टर सेटअप आ जाता है। नीचे क्रोम का काम किया गया, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इसका हुड भी थोड़ी देर में आपको ओपन करके दिखाते हैं। साइड की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल में आपके पास फेंडर्स पे जैगवार की बैजिंग की गई है और ये एक एयरवेंट टाइप इसका बनाया गया है, जो कि वंस अगेन एक फेक एयरवेंट है, रियल एयरवेंट नहीं है। रिम्स की बात की जाए तो रिम इसमें अलॉय रिम्स ही ऑब्वियसली आते हैं और लो प्रोफाइल टायर इसमें लगा हुआ है। ऑब्वियसली थोड़े पुराने मॉडल की गाड़ी है तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा ओल्ड स्कूल लुक इसकी आ रही होगी, बट अपने दौर में ये काफ़ी मॉडर्न लुक थी। इसके साइज़ की बात की जाए तो इसमें 18 इंचेस का अलॉय रिम लगा हुआ है, 245/40R18। इस तरह साइड पे आपके पास टर्न सिग्नल भी हैलोजन दिया गया और साइड मिरर में दिया गया। क्रोम लाइनिंग साइड पे जा रही है, सनरूफ दिया गया है। और अब इसी तरह बैक पे आ जाते हैं तो बैक साइड पे आपके पास जैगवार का एम्बलम, टेल लाइट्स भी आपके पास इसमें बेसिक ही दी गई है। नीचे आपके पास डुअल एग्जॉस्ट टिप दी गई है और वंस अगेन रियल एग्जॉस्ट और काफ़ी मैसिव सा एग्जॉस्ट है। रेयर पार्किंग सेंसर्स, XF की बैजिंग की गई है और आपके पास इसमें रिवर्सिंग कैमरा दिया गया। देन यहाँ पे इसका बटन दिया जाता है जिसको आप प्रेस करके इसका बूट ओपन कर सकते हैं, और बूट ओपन करने के लिए अंदर भी इसका लैश दिया गया होगा। इसके अलावा हाई माउंट ब्रेक लैंप इसमें दिया गया है और यहाँ से आप इसको प्रेस करके बूट ओपन कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बाद में करके चेक कराऊंगा। और अब इसके रेयर से ही स्टार्ट करते हैं तो बैक पे आपके पास ऑब्वियसली लेदर सीट्स हैं, प्राइवेसी ग्लास बैक पे दिया गया है और नीचे स्पीकर्स हैं, क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इनको क्रोम में नहीं है बट ये है कि इसको सिल्वर पेंटेड किया गया। देन लेदर फिनिशिंग की गई है और अंदर की बात जाए तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। सेंटर में आपके पास काफ़ी मैसिव सा फ्लोर हम्प दिया गया है, ट्रांसमिशन टनल, रेयर एयर वेंट्स, कर्टन एयर बैग्स, ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया है। बैक पे आपके पास लाइट्स दी गई हैं, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं, ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं और दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, सीट बेल्ट्स वगैरह दी गई हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिए गए हैं। बैक पे लेग रूम हेडरूम काफ़ी डिसेंट है, यहाँ से अगर लेग रूम आप देख सकें, नीचे फुट स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन दी गई है। अब हेडरूम यहाँ से आप देख सकें तो मेरे पास काफ़ी डिसेंट हेडरूम मौजूद है। देन ट्विटर्स मिल जाते हैं, डोर पॉकेट्स डिसेंट साइज़ की हैं और वुडन का जो काम किया गया इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं। देन इसमें आपके पास सीट एयर बैग्स आ जाते हैं, यहाँ से आप इसकी बैजिंग देख सकते हैं, ऊपर सनरूफ, और यहाँ से अगर व्यू दिखा सकूँ तो आप फ्रंट पे चल के बाकी इसका व्यू आप लोगों को चेक आउट करवा देते हैं। और वीडियो थोड़ी बेसिक रहने वाली है, जल्दी जल्दी मैं बेसिक सा वॉक अराउंड आपको दूंगा। ड्राइवर साइड से स्टार्ट किया जाए तो सेम यूटिलिटी मिल जाती है। इस साइड पे इसके मेमोरी सीट के कंट्रोल्स और साइड मिरर और पावर विंडोज के कंट्रोल्स, जैगवार की बैजिंग, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट दी गई है। और अब मैं इसके अंदर आ जाता हूँ तो इसकी की नीचे करके इंसर्ट होती है इस साइड पे, और देन यहाँ पे आपके पास टेल गेट ओपन, हेडलाइट की ऑप्शन दी गई है। इस साइड की बात कीजिए, वुडन ट्रिम है। अब तो ये काफ़ी पुरानी लगते हैं बट जिस वक्त ये गाड़ी है उस वक्त ये काफ़ी एक मॉडर्न फीचर होता था और गाड़ी के लुक को काफ़ी बेहतर बनाता। जैसे आप देख सकते हैं डोर्स पे भी और डैशबोर्ड पे जो लेदर फिनिशिंग की गई है, देन वुडन ट्रिम्स दी गई हैं, आर्मरेस्ट में डिसेंट स्पेस है, 12 वॉट आउटलेट, ऑक्स का पोर्ट दिया गया है। और यहाँ से आप इसके जो है इसके जो कप होल्डर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, 3 कप होल्डर्स इसमें आ जाते हैं। वंस अगेन कवर्ड है,
यहाँ से आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह और इसके जो ये सेंटर है मेडी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइड पे इसका बटन दिया गया, आप इसको प्रेस करके, तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आरपीएम गेज दी गई है और 260 का ओवरऑल मीटर दिया गया, देख सकते हैं। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसके एयर वेंट्स ओपन हो जाते हैं। देन एक काफ़ी बेसिक सा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया, जो कि एक टच स्क्रीन है, ऑक्स सीडी और इस तरह की ऑप्शंस इसमें दी गई हैं। यहाँ से आप इनको बाकी एक्सेस कर सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली रबर में फिनिश है, अब तो ये बहुत एक चीप फील दे रहे हैं, बट एट दैट टाइम ये चलता था। देन इसमें आपके पास जो स्टेयरिंग व्हील पे जैगवार का एम्बलम दिया गया है, स्टेयरिंग व्हील एडजस्टेबल है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पहले इसका गियर लीवर नीचे था, जैसे मैंने स्टार्ट किया थे ऊपर आ गया। ट्रैक्शन ऑफ का दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। रिवर्स में इसको मैं डालता हूँ तो इसका बैक कैमरे का व्यू आ गया, जो कि ऑन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ऑब्वियसली पुरानी गाड़ी है। बाकी इसमें डी और एस का भी मोड दिया गया है। वापस इसको पार्किंग में ले जाते हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ से बाकी आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेस करेंगे होम बटन आ गया। देन इसमें आपके पास फ़ोन कनेक्टिविटी, व्हीकल सेंट्रल लॉकिंग का फंक्शन दिया गया, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, सन रूफ इसमें दिया गया है और ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड पे वैनिटी मिरर्स विद लाइट आते हैं और कर्टन एयर बैग्स भी इसमें दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इसके सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर इस साइड पे दिया गया, ये आपके रेयर शेड्स का दिया गया, देखो मैंने प्रेस किया तो रेयर शेड्स क्लोज हो गया, तो यहाँ पे ये फंक्शन भी इसमें आ जाता है। देन फ्रंट पे आपके पास लाइट्स दी गई हैं, जिनको आप टच करें तो ये ऑन हो जाती हैं। बाकी यहाँ से आप इसके डिफरेंट कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये क्रूज़ कंट्रोल का दिया गया है। देन यहाँ से आप इसमें ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, सोर्स वगैरह, और इस साइड के बैक साइड पे ही इसके पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली जर्मन गाड़ियों की तरह। इसमें भी आपका लेफ्ट साइड पे लाइट कंट्रोल्स दिए हैं, राइट साइड पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। फ्रंट का व्यू काफ़ी डिसेंट है और सीट्स इसकी नो डाउट काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सीट अभी मैं फुल पीछे कर लिया है और आप देख सकते हैं फ्रंट पे लेग रूम हेड रूम कितना है, विद हाइट एडजस्टमेंट का फंक्शन है, बेसिक यूनिट है। इसमें मैं साउंड को जो इसका टेस्ट करके आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या और कोई इस तरह के लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, मेरे साइड पे देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो आप हाई ड्राइव मोटर रावलपिंडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी तमाम डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अल्लाह।